हेलो गाइस, वेलकम टू द माय चैनल पावर अप के एपिसोड नंबर 11 के साथ हाजिर हो। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और सीधा चलकर स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है थाउजेंड और वन वैली के कैंगलैन माउंटेन के सीन पर, जहाँ पर फ्रैंक कहता है, मास्टर ली आप क्या ठीक है? और उनसे बोलता है, मैं बस अपनी न्यू स्किल ट्राई करना चाहता था और मेरे पास यह खेलने के लिए बिल्कुल समय नहीं था। जिसे देखकर जो मास्टर ली होते बहुत सरप्राइज होते और बोलते, क्या तुम क्या कह रहे हो कि तुम्हारे पास खेलने के लिए समय नहीं था? और कहते हैं, मास्टर फैंग, क्या अभी अभी आपने जो स्वॉर्ड आर्ट टेक्निक अभी सीखी है जस्ट, क्या मैं आपसे ये पूछ सकता हूँ कि ये स्वॉर्ड आर्ट टेक्निक को आप कब से प्रैक्टिस कर रहे हैं? तो ये स्माइल मारते हुए कहता है उसकी तारीफ में कि मैंने अभी अभी सीखी है, मैंने कभी भी इसकी प्रैक्टिस नहीं की। जिसको देखकर वो घबरा जाते हैं और बोलते हैं, क्या बकवास किया जा रहा है, इसने स्वॉर्ड आर्ट टेक्निक अभी भी प्रैक्टिस नहीं की, लेकिन ये अभी भी इसे यूज कर सकता है और मैं ही सिर्फ अकेला इस जनरेशन का बचा हुआ हूँ जो स्वॉर्ड आर्ट टेक्निक को समझ सकता है, क्या ये? और ये घबराने लगते हैं उसके बारे में सोचते हुए और सीधे जाके फैंग को पकड़ लेता है और बोलता है, मैंने ये सुना है कि यहाँ पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको स्पिरिचुअल बॉडी के नाम से कहा जाता है और वो सिर्फ एक झलक देखते ही किसी भी टेक्निक को सीख सकते हैं, क्या तुम भी उन्हीं में से हो जिनके पास साइकिक है, साइकिक पावर्स है? मिस्टर फैंग, तभी जो फैंग होता है उससे कहता है, मैं इतना ज़्यादा अच्छा भी नहीं हूँ, मैं सब कुछ नहीं सीख सकता। और मन में दूसरे सोचते हुए कहता है, बड़े स्माइल मारते, मैंने तो इसके बिल्कुल सोची भी नहीं थी कि इस वर्ल्ड में इस तरह की कोई लेजेंड भी है जो मेरे एट्रीब्यूट है वो इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। और फैंग मास्टर ली से बोलता है, लेकिन मास्टर ली, जो मेरी एबिलिटी के साथ मैं थाउजेंड अर्डमेंट वैल्यू को बचा सकता हूँ और उसकी मदद कर सकता हूँ। इसको देखकर जो मास्टर ली होते इमोशनल हो जाते हैं और आंसू निकलने लगते हैं और मन में सोचते हुए बोलते हैं, मैं इससे इतनी देर से फाइट कर रहा हूँ और इसे और इस पर गुस्सा दिखा रहा हूँ, लेकिन ये अभी तक गुस्सा नहीं हुआ और मुझसे कोई सीरियसली फाइट नहीं करना चाहते और तो और इन्हें चोट लगने से भी कोई डर नहीं है और तो और ये सोच रहे होंगे कि मुझे ये चोट ना पहुँचा दें। इस तरीके के पर्सन पर तो भरोसा करना ही चाहिए। और मास्टर ली फैंग से कहता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने अभी कहा था कि आप मेरी स्पाय के मतलब जासूसों को पकड़ने में मदद करोगे इस थाउजेंड ऑटमन वैली में, आखिर आप ये कैसे करने वाले हो? और वो बोलता है, मेरी एबिलिटी के साथ आपके स्टूडेंट के साथ मैं कम्पीट करूंगा और कोई बाहर की एबिलिटी यूज़ करता है तो हमें पता चल जाएगा वो जासूस है, सिंपल है ना? इसको सुनने के बाद वो एकदम से घबरा जाता और शॉक हो जाता और बोलता, ब्रिलियंट, एकदम ब्रिलियंट, बताओ इतना सा आइडिया इसके दिमाग में नहीं आया बुढ़ाओ के। और जिसे देखकर वो खुश हो जाता है और हाथ मिला के कहता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपके साथ कोऑपरेट करूंगा। फैंग उससे कहता है, आपको चिंता करने जितनी है मैं संभाल लूंगा सब कुछ। तभी नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है, हवा चल रही होती है, गाड़ी खड़ा हुआ होता है थाउजेंड अर्डमंड वैली के एल्डर्स के कोर्टयार्ड में और कहता है, मैं काफ़ी मतलब मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ जब मैं इतने समय के लिए बाहर गया हूँ। और हमें दिखाया जाता है जुहो ने सभी की बेड बजा रखी हुई होती है, सभी स्टूडेंट की, और सीधा जाकर जुहो ही पे मुंह पे लात रख देती है जोर से, उसकी बेड वहीं पर बच जाती है और उसे मार मार कर पूछ रही होती है, हार मान लो। तो उन्हें बड़ी जल्दी हार मान ली, मुझे जल्दी से कैंटीन ले जाओ नहीं तो मैं तुम्हें मारना बंद नहीं करूंगी। और जो ये होता है, जो एल्डर ही होता है, वो बस कपकपा होता है और बोलता है, इसके बारे में तुम कभी सोचना भी नहीं। जिसको देखकर जो फेंगा भड़क जाता और उसे कहता है, तुम कमीने कहीं के, मैंने अभी तक इस जीवों के पैरों का मसाज के मजे भी नहीं ले पाए और तुमने पहले ले लिए और मैंने उसके पैरों को छू नहीं पाया उसको और तुम मजे उठा रहे हो अकेले के लिए, तुम कमीने कहीं के, जहाँ निकल यहाँ से, और उठाकर फेंक देता है। तभी हमें दिखाया जाता है एक एट्रीब्यूट उसके ऊपर से टपकता है और बोलता है, ओ ये भी वर्क किया। और वो कहता है, ये क्या है, एम्ब्रॉयडरी? और मन में सोचता कहता है, जो लोग हैं अपने एट्रीब्यूट को इतनी आसानी से नहीं छोड़ते, मतलब देते, लेकिन ये से तो बस वैसे ही छोड़ दिया और तो और ये सिर्फ एम्ब्रॉयडरी है। जिसे देखकर वो भड़क जाता है और फैंग पर चिल्लाना स्टार्ट करता है और बोलता है, तुम स्विंडलर कहीं के, तुम बड़े एरोगेंट हो, इतने ज़्यादा एरोगेंट मत बनो, ये थाउजेंड ऑटमन वैली है, तुम इन्हें गुस्सा दिला रहे हो। तभी फैंग उसे कहता, अच्छा तुम मुझे पीटना चाहते हो? बाकी स्टूडेंट में कहने लगते हैं, सीनियर ब्रदर ये बिल्कुल सही है, ये थाउजेंड ऑटमन वैली के साथ ठीक नहीं कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा एरोगेंट है, आखिर इन्हें लेसन कौन सिखाना चाहता है? तभी एक बंदा आ रहा होता और बोलता है, एवरीवन मुझे अलाउ करो, मैं इस वक्त सिखाता हूँ। तभी फैंग कहता है, आखिर तुम कौन हो? और तभी वो अपना इंट्रोड्यूस होता है, मैं फिफ्थ एल्डर का स्टूडेंट हूँ, मेरा नाम मो है और मैं तुम्हें चैलेंज करने के लिए आया हूँ, लाइफ एंड डेथ के मैच के बारे में बात मत करो, क्या तुम मुझसे फाइट करोगे? तभी जो पीछे बंदा होता है उसकी मार पड़ी हुई होती है, वो उससे कहता है फैंग से, तुम ज़्यादा मत सोचो, तुम
बस हमारे सीनियर ब्रदर मो के सामने हार मान लो और सरेंडर कर दो। जो हमारे सीनियर ब्रदर मो है वो मार्शल आर्टिस्ट की फैमिली में जन्म लिया है और इनके पास कई ज्यादा ट्रेजर है। अगर ये यहाँ पर फाइट करें तो ये सभी के सभी स्टूडेंट मिलकर भी इनसे फाइट करेंगे तो वो हरा नहीं सकते मास्टर मो को। इसे देख कर जो फैंग होता है बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने लगता है और बोलता है क्या मार्शल आर्ट्स फैमिली ट्रेजर क्या बकवास किए जा रहे हो। इसको देखकर बहुत ज्यादा खुश होने लगता है और उसके मुंह से लार टपकना स्टार्ट हो जाती है और पैसा ही पैसा समझने लगता है और कहता है अच्छा ऐसी बात है तो चलो चलते हैं फाइट करते हैं। और फटाफट में सोचता है बोलता है ये बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला है मेरे लिए और वो उसके चैनल को एक्सेप्ट कर लेता है। और जो मोह होता है वो भी कहता है अच्छा ठीक है चलो फाइट करना स्टार्ट करते हैं। सीधा फैंग उस पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है सबसे पहले और बोलता है मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास। इसको देखकर जो भाई होता है वो कहता है सीनियर ब्रदर वो मतलब जूनियर ब्रदर वो सदा सावधान रहिए अपने ट्रेजर को इस्तेमाल कीजिए। तभी जो मोह होता है वो कहता है इस गाय के पास मतलब इस बंदे के पास कोई भी सीनियर मतलब कोई भी अच्छा ट्रेजर नहीं है। इसको देखकर तो ऐसा लगता है गरीब एकदम नंबर का और हार्ट ब्रदर का इस्तेमाल करता है। ये बस एक स्वेंडलर है जो ब्रदर भाई है वो बहुत ज्यादा ही केयर कर रहा है इसके बारे में। और वर्मा सोचते हैं ऐसा लगता है और बोलता है मैं हार्ट मेलर का इस्तेमाल करने वाला हूँ ये इसके लिए काफी होगा और इसे इजिली मैं हंस सकता हूँ। और तो और मेरे पास आना तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है ठाकुर। अस्त इस्तेमाल कर देता है अपने ट्रेजर का और पर्चे फेंक देता है और जो फैंग होता है उन पर्चों को देख रहा होता है और सोच रहा है आखिर ये क्या फेंक रहा है मेरे पास। और एक जोरदार धमाका होता है वहां पर और जो पीछे स्टूडेंट होते हैं बहुत ज्यादा खुश लगते हैं और बोलते हैं लॉन्ग लिव ब्रदर मो। इन्होंने बस एक ही मुंह में उस स्वेंडलर को हरा दिया। तभी सामने से आवाज आती है मुझे माफ कर देना जिसे देखकर जो मो होता है बहुत ज्यादा सरप्राइज होता है और हमें दिखाया जाता है जो फैंग है उस धुएं में से निकलता है बड़े जोश में और सीधे जाकर उसके मिरर में एक जोरदार पंच मारता है जिसके कारण बहुत ज्यादा बिजली जनरेट होना स्टार्ट हो जाती है और जो मो होता है वो पीछे धकेलना स्टार्ट हो जाता है और घबराने लगता है आखिर चल क्या रहा है और बोलता है ये तो इम्पॉसिबल है आखिर ये कैसे आ सकता है। और जो फैंग का अटैक होता है उसके कारण उसके मुंह से खून निकलना स्टार्ट हो जाता है और जो फैंग होता है उससे बोलता है मुझे माफ कर देना तुम डिसअपॉइंट हो इतने ज्यादा कि तुम एक ही मुंह में मुझसे हार गए। और वो अपने एटीट्यूड का इस्तेमाल करता है जिसका नाम होता है 9 ड्रैगन हार्ट फ्रैगमेंट और द स्पिरिट ऑफ द हिडन ड्रैगन। उसे 2 एट्रीब्यूट मिल जाते हैं उसके द्वारा और इनको देखकर कहता है इनका जो नेम है वो रॉयल फैमिली से रिलेटेड लग रहा है क्या मैंने सच में किसी जवान रॉयल फैमिली के साथ पंगा ले लिया है और उन्होंने निपटा दिया है। और उसके एट्रीब्यूट को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देता है और बोलता है मुझे लगता है कि यहाँ की जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा खराब है जितना कि मास्टर डी ने मेरे को बताया था उससे भी ज़्यादा। आखिर 1000 ऑडवन वैली में जू फैमिली को क्या चाहिए। तभी हमें दिखाया जाता है एक और बंदा आ जाता है और बोलता है तुम दोनों यहाँ पर क्या बकवास किए जा रहे हो फिर से। और हमें दिखाया जाता है मास्टर डी आ गए होते हैं और वो बोल रहे होते जल्दी जल्दी अपने अपने जगह पर जाओ यहाँ पर मजाक उड़ाना बंद करो हमारे गेस्ट के सामने। तभी जो फैंग होता है वो बार बार सोचता कहता है ये बिल्कुल सही समय पर आए हैं। इसे देखकर जो ये होता है वो मतलब अजीब सी एक्टिंग करना स्टार्ट करता है झूठ बनने की और बोलता है ये जो फैंग है ये यहाँ पर परेशानी खड़े कर रहा है। और जो मास्टर ली होते हैं बोलते हैं तुम अपनी बकवास बंद करो। आजकल के जो यंगस्टर हैं वो बहुत ज़्यादा परेशानी खड़ी कर देते हैं मास्टर फैंग प्लीज़ हमें माफ़ कर देना। और जो फैंग ऐसा वही हंसना स्टार्ट कर देता है और बोलता है ये वाकई में थोड़ा मज़ेदार था कॉम्पीट करना आजकल की यंगस्ट जनरेशन के साथ। और कहते हैं ये है हमारे सबसे ज़्यादा अच्छे और प्यारे गेस्ट इधर परेशानी खड़ा करना बंद करो। जिसको सुनने के बाद सभी के सभी स्टूडेंट बहुत ज़्यादा सरप्राइज होते हैं और कंफ्यूजन में होते हैं आखिर चल क्या रहा है और उदास सा मुँह करते हो अच्छा ठीक है मास्टर। तभी जो मास्टर ली होते हैं वो फैंग के पास आते हैं और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोलते हैं आप चिंता मत करिए आप मुझको फॉलो कीजिए मैं आपको आपके रेजिडेंस में छोड़ने चले जाता हूँ। तभी फैंग कहता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया मास्टर ली। और कहता है अरे हाँ एक और बात बताना चाहता हूँ और बोलता है अगर किसी भी स्टूडेंट को मुझसे परेशानी है तो वो मेरे पास आ सकता है और जो रीज़न होगा तुम्हारा मेरे पास आने का उससे पता चलेगा आखिर किस तरह ही फाइट करना चाहते हो। इसको देखकर जो दोनों की मार पड़ी हुई होती है वो कहते हैं उस पर गुस्सा करने लगते हैं जो ये होता है उस पर गुस्सा करने लगता है जो मोह होता है वो कहता है ब्रदर ये शांत हो जाइए ये बंदा बहुत ज़्यादा परेशानी खड़ी करने वाला है मुझे थोड़ी सी तैयारी करनी पड़ेगी। और हमें दिखाया जाता है कोई एक कमरे में बोल रहा होता है 9 ड्रैगन हॉट फ्रैगमेंट स्प्रिट ऑफ हिडन ड्रैगन ये यूनिक एबिलिटी है जू कोड की जुआन वू कोड की। और जो मास्टर डी होते हैं वो बोलते हैं फैंग से मैंने तो इसके बारे में कभी सोचा भी नहीं था कि वह लड़का मो यूशो इस सब में होगा।
इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। अच्छा तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय। और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और जरूर कमेंट कर जरूर बताना कि सीरीज बढ़ानी है कि नहीं बढ़ानी, ठीक है।